सो दोस्तों, अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंगएट में। सो यार, आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो जैसा आप अपने फोन में ले पाते हो। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स गो टू अवर टॉप 5th मेथड। सो जो ये मेथड है हमारा काफी सिंपल है, बट हो सकता है काफी लोग पता हो। उसके लिए आपको सिंपली जो भी स्क्रीन है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वहां पे आपको आना है और सिंपली जो प्रिंट स्क्रीन है वो क्लिक करना है। ये आपको आपके कीबोर्ड के राइट साइड के अपर कॉर्नर पे मिल जाएगी, ठीक है, लगभग वहीं आसपास मिल जाएगी। और आपको अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, फिर राइट क्लिक करके आप सिंपली से पेस्ट कर सकते हो। सबके पास ये ना डायरेक्ट मतलब स्क्रीनशॉट आने वाला है आपके डेस्कटॉप का, जो भी आप लेना चाहते हो। एंड क्लियरिटी की यार टेंशन मत लेना, कतई जहर क्लियरिटी है, देख लो कितना भी जूम कर लो फोटो नहीं फटने वाली। चाहे कुछ भी फट जाए इसमें, बट ये फोटो नहीं फटेगी आपकी। सो अब बढ़ते हैं अपने टॉप 4th मेथड की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, बट उससे थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। सो ये भी सिमिलर वैसा ही है, सिंपली आपको जो प्रिंट स्क्रीन की है वो आपको प्रेस करनी है, जो भी स्क्रीन आपको कैप्चर करनी हो वहाँ पे आने के बाद, ठीक है। एंड देन आपको MS पेंट जो है वो ओपन कर लेना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। सो आपको सेम क्लियर के साथ इमेज आपके पेंट में ओपन हो जाएगी, बट यहाँ पे ये फायदा है कि आप उससे ज़्यादा एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो। लाइक आपका टेक्स्ट वगैरह हुआ, शेप वगैरह हुआ, फिल कलर वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप वगैरह थोड़ा सा आपका देख लेना, ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि ऐसे क्रॉप करने में देख रहे हो क्या हो रहा है यार, फोटो अलग हो जा रही है एंड बैकग्राउंड अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड आप इसे 4 फॉर्मेट्स में जनरली सेव कर सकते हो, बट इसके अलावा यहाँ पे अदर फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली काफ़ी अच्छा मेथड है, बट जनरली मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा JPEG या फिर PNG बेस्ट मेथड है, ठीक है। एंड देन इनमें भी PNG काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि वो कहीं भी पोर्टेबल करने में बहुत ईजी रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको चाहिए हो। सो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि फोटो वहाँ से निकलने के बाद कैसे दिखने वाली है आपको। तो क्लैरिटी देख रहे हो यार, मतलब कोई इशू नहीं क्लैरिटी का, बिल्कुल भी नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल जहर आने वाली है आपकी, ठीक है। और देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो अभी तक। सो क्लैरिटी तो बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉप 3rd मेथड की तरफ। ये काफ़ी एडवांस है देन उससे, क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। सिंपली आपको जो भी स्क्रीन कैप्चर करनी है वहाँ पे आना है और प्रिंट स्क्रीन के जो की है वो दबाना है, 102 बार या 3 बार जितनी बार दबाना चाहो, ठीक है। देन आपको सिंपली जो फोटो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पे देख सकते हो जो इसमें प्री डिफाइंड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाती है, जो भी आपको साइज़ चाहिए, ठीक है। देन आपको सिंपली कोई चूज़ करना और यहाँ पे आप ओके करके ओपन कर लेना, यहाँ आप सिंपली कंट्रोल वी करना है, ठीक है। तो वो जो डेस्कटॉप की स्क्रीन थी वो आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसका जो मेन फायदा ये है कि आप यहाँ पे जो प्रीपेड टूल्स मिलते हैं आपको फ्री में, आप उनसे भरपूर एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे विदाउट स्पेंडिंग अ डॉलर, ठीक है। एंड आप चाहो तो इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह वो भी एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल एम प्रेस करना सिंपली आपको, और यहाँ पे आप इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह वो अप डाउन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फोटो, ठीक है, जैसे आपको चाहिए। एंड आप सिंपली यहाँ पे ओके कर सकते हो, ठीक है। मुझे फिलहाल ये सही लग रहा है क्योंकि पहले से एडिट है, मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। सेव में आपको सेव एज करना है। एंड यहाँ आप देखो आपको कितनी सारी आपको मिलने वाली है, लाइक JPEG, PCX, फोटोशॉप, PICT, PNG, पिक्सार, काफ़ी सारी आपको फॉर्मेट्स मिलने वाली है इस फोटो को सेव करने के लिए। एंड यहाँ आप क्वालिटी भी इसकी एडजस्ट कर सकते हो, लो मीडियम हाई, एंड उस हिसाब से आपकी जो फोटो से क्वालिटी आएगी एंड वो फोटो का जो साइज़ होगा वो बनेगा। एक दिखाया था आपको फोटो, जैसे ये देखो यार, क्लैरिटी मतलब बिल्कुल अच्छी आने वाली है, क्लैरिटी की तरफ से बेफिक्र रहना। एंड एडिटिंग वो तो आपको फोटोशॉप में भरपूर मिलने वाली है, जो आप चाहो तो कर सकते हो। सो बढ़ते हैं हमारे टॉप 2nd मेथड की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उससे थोड़ा सा अलग है एंड बेस्ट है। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर स्क्रीन की फोटो लेनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्क्रीन के मेरे को मैं लाइक मुझे इस सीन का मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो आपको यहाँ पे सिंपली आना है और यहाँ आपको स्नैपिंग या स्निपिंग टूल जो भी कह सकते हो आप, ठीक है, वो सर्च करना है, वही वाला पट्टी स्क्रीनशॉट वाला, ये आ गया हमारे सामने। सिंपली हमें इसे ओपन करना है एंड यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स है, एंड यहाँ पे इसके मोड है, यहाँ पे कौन से शेप में स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो। डिले का ऑप्शन है कि आप प्रेस करने के बाद कितनी देर में फोटो लो, तो मुझे नो डिले चाहिए, क्लिक करते हैं मुझे फोटो चाहिए, ठीक है सिंपली। तो यहाँ देखते हैं, मुझे फ्री फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे सिंपली रेक्टेंगुलर चाहिए, ठीक है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक करते से ही हमारे जो स्क्रीन है पूरी वाइट से हो जाएगी और हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट सिंपली ले सकते हैं, जो भी स्क्रीन का हमें, जो भी पार्ट का हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, लाइक इसका चाहिए मेरे को। एंड जैसे ही हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, ये अपने आप एक अलग इंटरफेस में आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपका शो कर रहा है कि ऐसा है, एडिट करना है तो कर सकते हो, वरना सिंपली आप इसे सेव कर सकते हो, जो कि डिफॉल्ट या PNG में सेव हो। आप चाहो तो और भी फॉर्मेट से सेव कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड लगा मेरे को देन अब तक के जो बाकी मेथड्स मैंने बताए हैं। एंड आगे इससे जो आने वाला है वो इससे बेस्ट है, तो सिंपली हम सेव करते हैं एंड इसे। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सेव कहाँ हुई है। सो जो आपके यूजर नेम का फोल्डर होगा
उसमें आपको पिक्चर्स नाम का फोल्डर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मेन है, ठीक है, कैप्चर नाम सेव होगी या जो भी नाम से आप सेव करोगे। क्लैरिटी देख लो यार, मतलब कोई इशू नहीं है, क्लैरिटी देख लो, बहुत तगड़ी आने वाली है। एंड जो दिख रहा है आपका रेड कलर सब्सक्राइब कर दो यार, अभी भी नहीं किया तो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, तो देख लो क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे करते हैं बंद। सो काफ़ी अच्छा मेथड था देन हमारे प्रीवियस मेथड्स। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने टॉप फर्स्ट मेथड की तरफ, जो कि सबसे बेस्ट मेथड लगा मेरे को, ठीक है। इसमें आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जिस भी स्क्रीन की फोटो लेनी है आपको वहाँ पे आना है, और आपके कीबोर्ड में जो विंडो के बटन है एंड देन प्रिंट स्क्रीन, आपको इसे एक साथ दबाना है एंड कुछ इस टाइप से आपकी फोटो खींचेगी आपके लिए, मतलब डेस्कटॉप यार, ठीक है। वो आपकी सेव कहाँ होगी भाई, यूज़र नेम में, पिक्चर्स में एंड जो स्क्रीनशॉट फोल्डर नेम से है इसमें सेव होने वाली है। एंड अगेन क्लैरिटी माशाल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहर फोटो आने वाली है। एंड सबसे इजी मेथड लगा, एंड मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के बाद तो यार वीडियो देखने के बाद पढ़ने वाली है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। अगर ऐसे कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड रेड कलर का सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड है तो ऑल ब्लैक कर दो यार, मैं ऐसी वीडियो जरूर लाऊंगा। और सो मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।